हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आरवी गावरी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग गिटार का पहला लेसन करने वाले हैं और वैसे तो काफ़ी सारे गिटार लेसन्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मेरे जो गिटार लेसन्स रहेंगे वो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में रहेंगे, जिससे आपको गिटार को सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन है तो मैं सबसे पहले आपको गिटार के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली गिटार क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर पार्ट्स के नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कुछ चीज़ कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमें उसके बारे में ज़रूरी होता है जानकारी होना। जैसे मान लीजिए आप कोई बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आपको पता है कि गियर किसे कहते हैं, क्लच किसे कहते हैं, कहाँ ब्रेक लगाना है, तब गाड़ी कंट्रोल होगी। तो इसी तरीके से इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरा वादा है कि आज का ये लेसन देखने के बाद आप से कोई भी पूछेगा गिटार के बारे में तो आप 100% श्योर होकर उससे कहोगे कि हाँ, मैं गिटार को जानता हूँ। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं गिटार का पहला लेसन। देखिए दोस्तों, ये है गिटार का पूरा बॉडी। एक्चुअली गिटार तीन तरीके के होते हैं। ये हमारा जो गिटार है उसे एकोस्टिक गिटार कहा जाता है, एक होता है इलेक्ट्रिक गिटार और एक होता है बेस गिटार, जिसमें चार स्ट्रिंग्स होती हैं। इलेक्ट्रिक और एकोस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। तो ये इसका बॉडी है फ्रेंड्स, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे ब्रिज कहा जाता है, और ये जो स्ट्रिंग्स जा रही है, जो वायर इनसे बंधी हुई है, ये आपके स्ट्रिंग्स होते हैं। ये 6 स्ट्रिंग्स होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ स्ट्रिंग्स नीचे के जो होते हैं वो पतले होते हैं और ऊपर के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो मोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसे कहा जाता है हेड, इस पर लगी है की, तो हम इसे कहते हैं ट्यूनिंग की, जिससे जो गिटार की स्ट्रिंग्स बंधी हुई है जब हम इसको ट्यून करते हैं तो ये स्ट्रिंग्स खींचा कर गिटार को ट्यून करती है, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद दोस्तों, इसे होल्डर कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ये होता है गिटार का पिछला हिस्सा, जिसे हम नेक कहा जाता है, और इस पर थम को रख कर गिटार को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर जो गैप है, जो बॉक्स बने हुए हैं, इसे कहते हैं फिंगर बोर्ड, इसे फ्रेट भी कहा जाता है, फिंगर बोर्ड भी कह सकते हैं। तो ये फिंगर बोर्ड होती है, इसकी एक पर्टिकुलर काउंटिंग होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर गिटार के फ्रेट्स हैं, तो ये डॉट दिख रहे होंगे फ्रेंड्स आप लोगों को। तो ये एक्चुअली डॉट्स काउंटिंग के लिए बहुत आसान होता है। जब हम फ्रेट को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो हम सडनली 5 को देखकर पहचान सकते हैं कि 5 7 9 एंड 12, इस टाइप से, इस तरीके से इसमें डॉट्स होते हैं। और मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बता रहा था फ्रेंड, तो ये देखिए आप स्ट्रिंग्स, इसमें नीचे की जो कुछ स्ट्रिंग्स है वो पतली होती हैं और ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है वो मोटी होती हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने स्ट्रिंग्स के बारे में, फ्रेट्स के बारे में। एक्चुअली ये स्ट्रिंग्स पतली और मोटी होने का कारण है, आपने घर में साउंड बढ़ाते हैं या स्पीकर्स वगैरह के जब हम साउंड सेट करते हैं तो उसमें एक बेस का बटन होता है और एक ट्रबल का। तो ये जो नीचे की स्ट्रिंग है, जो पतली पतली, जब हम इसको प्ले करते हैं इस तरीके से, तो ये ट्रबल का काम करती है, और ये जो हाई स्ट्रिंग है ये बेस का काम करती है। तो जो ऊपर की जो स्ट्रिंग्स होती है वो बेस, और जो नीचे की स्ट्रिंग्स होती है वो ट्रबल का काम करती है। तो दोस्तों, आज पहला लेसन है, आप इस लेसन को देखिएगा और
आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे समझेंगे तो आज के बाद आपको कभी भी गिटार के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको पर्टिकुलरली एक एक पार्ट्स के बारे में बता पाएंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं।